अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। आज हम ओवरव्यू करेंगे सैनप्रो ज़ेलप्रो का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा URL है demo.sanisp.com। तो इसका यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो एडमिन एडमिन और सुपर एडमिन, और यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड है 123456। इसके साथ हम इसको लॉगिन करते हैं। सुपर एडमिन का पासवर्ड भी सुपर एडमिन और 123456 है। तो ये हमारे पास इसका ओवरव्यू आ गया है। इसमें पहले डैशबोर्ड आ जाएगा हमारे पास, जिसमें ये चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद प्रोफाइल पे माय प्रोफाइल आएगी कि आप प्रोफाइल वगैरह इस पे अपनी क्रिएट कर सकते हैं और इस पे अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके बाद HRM मॉड्यूल इसमें आएगा। एक मॉड्यूल है HRM, HRM पे क्लिक करेंगे तो HRM मॉड्यूल आ जाएगा जिसमें स्टाफ और रोल होंगे। ऑल स्टाफ पे क्लिक करते हैं तो स्टाफ की डिटेल्स आ जाएगी जो आपने इसमें ऐड किया होगा। डिफरेंट रोल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री पे आएंगे तो इसमें कैटेगरीज आ जाएंगी। आप डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं और आइटम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क में आएंगे तो आप अपना बी रैस माइक्रो डिक इसके साथ अटैच कर सकते हैं, जैसे ये अटैच है। और इसके ऊपर जो है ये नेस आईपी आ गया, आपकी नेम आ गया, सीक्रेट आ गया। ये नेस का यूज़र नेम पासवर्ड जिससे लॉगिन होता है। और 8728 API पोर्ट आपने ऑन करनी है और इनकमिंग फ्रेंचाइजी पे क्लिक करेंगे आप डिफरेंट फ्रेंचाइजी हैं। इसके बाद डीलर सब डीलर भी आप इसके अंदर जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। डीलर सब डीलर का इसमें टैप है। उसके बाद यूजर पे ऑल यूजर है, ऑनलाइन यूजर है, ऑफलाइन यूजर है, एक्सपायरी यूजर, एक्सपायरी इन वीक है, एक्सपायरी इन 2 वीक, ये डिफरेंट एक्सपायरी आ गई। टोकन पे क्लिक करेंगे तो आप इससे प्रीपेड कार्ड और टोकन जनरेट कर सकते हैं, पोस्ट पे कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड पे जो है क्लिक करेंगे तो आप कार्ड और टोकन इस पे क्रिएट कर सकते हैं। पैकेजेस पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें डिफरेंट पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे 10 MB, 5 MB, 2 MB, डिफरेंट पैकेजेस। उसके बाद नीचे आएंगे तो पॉलिसी है, डिफरेंट पॉलिसीज इसके अंदर जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। ये डेमो सर्वर है तो इसके ऊपर पॉलिसी का पेज नहीं आ रहा। उसके बाद अकाउंटिंग है, आप इसमें अकाउंटिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद एरिया है, मेन एरिया, आप डिफरेंट एरिया जिस एरिया से आप हैं वो एरिया ऐड कर सकते हैं इसमें, सिटी एरिया और सब एरिया। SMS है कि आप API के थ्रू SMS API जो है वो मैसेज सेंड कर सकते हैं, जिसको आप ऑन करेंगे उससे सेंड होगा, ऑफ करेंगे तो सेंड नहीं होगा। एडिट करेंगे तो ये ऑन ऑफ का ऑप्शन है, ऑफ कर देंगे तो सेंड नहीं होगा, ऑन करेंगे तो सेंड हो जाएगा। उसके बाद नीचे हम आते हैं तो टिकट्स आ जाते हैं, कंप्लेंस वगैरह जनरेट होती हैं, वो चीज़ आ गई। उसके बाद नोटिस हैं, फिर डिफरेंट नोटिस जो है वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये इस जगह पे ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। लॉग्स एंड रिपोर्ट है, इसमें एक्टिविटी लॉग्स और डिफरेंट लॉग्स आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन से लॉग्स क्रिएट हो रहे हैं और क्या चीज़ हो रही है। सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगी सेटिंग। सेटिंग में आप अपनी ISP का नाम इधर दे सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी की। सॉफ्टवेयर सेटिंग में क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग है नॉर्मल, इसमें जो चीज़ आप चेंज करना चाहें इजीली कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। SMS और API, आप लोकल SMS API लगा सकते हैं, जैसे हमने ये एक SMS API लगाई है तो इसके थ्रू हमें इन्फॉर्म हो जाता है कि फलां AP से फलां बंदे ने ये एक्सेस किया है जो उसमें डिटेल ऐड है। पेमेंट ऑप्शन, अगर आप
कोई भी एपीआई जो है इसके साथ लगाना चाहते हैं पेमेंट गेटवे के लिए, तो आपने इसको लाइव कर देना है और इधर मर्चेंट आईडी यानी इसकी डिटेल आपने डाल देनी है तो ये एक्टिव हो जाएगी। सिक्योरिटी एंड ओटीपी, अगर आप ओटीपी के थ्रू जो है ना लॉग इन करना चाहते हैं तो ये चीज़ ऑन कर सकते हैं। अदर एपीआईज एंड सर्वर, इसमें आप अपना इधर बेस यूआरएल डाल सकते हैं, इधर सर्वर पासवर्ड वगैरह आप डिटेल ऐड कर सकते हैं। ये थीम्स हैं, डिफरेंट थीम्स हैं, इसमें इस पर क्लिक करते हैं तो चार किस्म की थीम है, जैसी है थीम वन है, टू है, थ्री है। उसके बाद क्लाइंट लॉगिन पेज पे भी आप थीम चेंज कर सकते हैं। तो क्लाइंट पोर्टल, अगर क्लाइंट पोर्टल आपने क्रिएट करना है और उस पे जो जो चीज़ें जो है वो आपने अलाउ कर दी है तो वो उसको शो हो जाएंगी और आपने इन सारों को फिर सबमिट कर देना है। ये बेसिकली हमारा ओवरव्यू है इसका। और इसके बाद जो है एडमिन में आएंगे तो सर्वर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो सर्वर की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके ऊपर आ जाएंगी। है DNS, MM, PHP का वर्जन है, MySQL है, ये वेब के ऊपर हुआ हुआ है, इस वजह से ये ऑफ आ रहा है क्योंकि वेब के ये Ubuntu के ऊपर इंस्टॉल होता है और ये प्रॉपर वर्क करता है। उसके बाद सर्वर आप टाइम आ गया है, डिस्क की इन्फो आ गई है, मेमोरी इन्फो है, इसमें SSH लॉगिन है, ये सर्वर का रिस्पांस है कि कितने मिली सेकेंड पे रिस्पांस इसका मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे सपोर्ट के ऊपर, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमें लिसेंस की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि ये जो हमारा लिसेंस है ये SANISP का है, ये है SANISP बिजनेस, ये हमारी की एक्स में आएगी, ये वैलिड जो है वो टिल 17 अगस्त यानी कि आज तक है, 50,000 यूज़र के लिए 200 इस पे नैस लिमिट है, ये वर्जन है, ये अपडेट की लास्ट डेट है, सपोर्ट पीरियड। अच्छा, सपोर्ट जब तक आपका लिसेंस एक्टिव रहेगा आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। तो इसके बाद नीचे हम जाते हैं तो लॉग आउट का ऑप्शन है, लॉग आउट, फिर हम ओपन करते हैं सुपर एडमिन। सुपर एडमिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा सुपर एडमिन एक्सेस हो जाएगा। सुपर एडमिन के ऊपर कुछ चीजें हैं जो हम इजीली जो है वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारा सुपर एडमिन, इसके ऊपर ये सारी प्रोफाइल की डिटेल्स आ जाएगी, ISP डिफरेंट ISP भी इसके ऊपर आप बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा एडमिन के तौर पे यूज होते हैं। उसके बाद बेसिक जो इसमें ऑप्शन है ना देखने वाले हैं, इस पे आपने क्लाइंट टेबल यानी कि सेटिंग में डेटाबेस की सेटिंग वगैरह आ जाती है, तो मेनी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे तो मेनी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने से आपको डेटाबेस का बैकअप मिल जाएगा, इंस्टॉल डेटाबेस अपडेट भी कर सकते हैं और डेटाबेस का बैकअप भी आप इधर से ले सकते हैं, जैसे डेटाबेस का बैकअप क्रिएट हो। क्लीन टेबल पे क्लिक करेंगे तो के टेबल क्लीन हो जाएंगे, यानी कि ये डिफरेंट टेबल्स बने हुए हैं तो जो है आप फोर्सली रिमूव करना चाहते हैं तो क्रॉस कर देंगे तो ये खाली हो जाएंगे। और इसके आगे जो है सेटिंग सपोर्ट नोटिसेस वही चीजें हैं जो एडमिन पैनल के अंदर। और इसके बाद हम आते हैं क्लाइंट पोर्टल के अंदर, इसको हम करते हैं लॉग आउट। तो क्लाइंट पोर्टल जो है इसका उसको एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा यूआरएल चेंज है, क्लाइंट
client.html client और login हो जाएगा हमारा client. अच्छा इस पे देखें login का option आ रहा है आपके पास और registered का option आ रहा है. ये तीन change करेंगे ये resolve हो जाएंगे. तो registered पे आपने नाम लिखना है, user name लिखना है, मैं आपका UI लिख देता हूँ. और मैं तो रजिस्टर्ड कर सकता हूँ. ऑटो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी अगर आपने ऑन किया हुआ है तो ये ऑटो रजिस्टर्ड हो जाएगा. तो ये देखिए ये यूजर ऑटो रजिस्टर्ड हो गया है हमने ऑप्शन ऑन किया हुआ था. तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं. लॉगिन करेंगे ये लॉगिन पेज आ गया. अच्छा ये देखें आप इसमें कुछ चीजें जो है क्लाइंट देख सकता है जिसमें ये देखें ये हमारे पास पेमेंट मेथड आ रहे हैं. अगर आपने जैस कैश एपीआई साथ लगाई हुई है तो जैस कैश एपीआई पे क्लिक करेगा. कौन सा पैकेज है ये वाला पैकेज है इसे अमाउंट डालेगा और सबमिट करेगा. सबमिट करेगा तो ये जैस कैश एपीआई के ऊपर चला जाएगा. रीडायरेक्ट हो जाएगा जैस कैश के ऊपर. जैस कैश एपीआई है नहीं है हमने अटैच नहीं किया वैसे ये रीडायरेक्ट नहीं होगा. तो पेमेंट करेगा तो ये ऑटोमेटिक जो है ना वो पैकेज इसका एक्टिव हो जाएगा. इसमें एक्टिविटी लॉग पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक्टिविटी लॉग जो भी एक्टिविटी इसके ऊपर हुई है आप देख सकते हैं. तो क्लिक करेंगे सर्च करेंगे तो आपके पास जो है वो एक्टिविटी लॉग वो सेम तरीके से निकल आएंगे. कनेक्शन लॉग जो है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी. लेजर आ जाएगा कि आपने जो जो ट्रांजैक्शन किया है उसकी डिटेल आ जाएगी. इनवॉइसेस जब आप पे करेंगे तो इधर इनवॉइस जनरेट होकर आ जाएगी. टिकट्स आप खुद भी टिकट जनरेट कर सकते हैं. क्लाइंट को अगर आप ये ऑप्शन देना चाहते हैं तो ये जो है वो कर सकता है. इसी तरह को शो हो जाए और लॉग आउट पे जो है ना वो ऑप्शन आएगा. तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.